दोस्तों छुट्टी का दिन था और मैं हिमाचल राज्य के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जिले के नाहन में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। आपको याद होगा कि मैंने अपनी लास्ट ट्रिप में सिरमौर के कुछ फेमस स्पॉट जैसे कि रेणुका जी, जेतक फोर्ट, एशिया का सबसे पुराना फॉसिल पार्क, इन जगहों को एक्सप्लोर किया था और आपको दिखाया था। तो सोचा कि इस बार भी कुछ नया किया जाए, तो बस फिर गया था मैं, निकल गया अपनी गाड़ी लेके, बट जल्दबाजी में अपना कैमरा रखना भूल गया, लेकिन फ़ोन मेरे पास था तो मैंने इसी से शूट किया। अब आपको मैं बताता हूँ लोकेशन के बारे में। नाहन से जब हम जमटा की ओर जाते हैं तो जमटा से एक रास्ता जाता है राजगढ़ की ओर। राजगढ़ के बारे में आपको बताता चलूँ कि राजगढ़ अपने सेब के बाग और आड़ुओं के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसी रास्ते पर चलते हुए एक छोटी सी जगह आती है जिसका नाम है महीपुर। दोस्तों नाहन से महीपुर की ओर जाते हुए आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे बढ़िया लैंडस्केप, बढ़िया सड़कें और दूर दूर तक शांत वातावरण। इस जगह से आपको लगभग प्यार हो ही जाएगा और आपको लगेगा कि बस यहीं बस जाऊं। और महीपुर एक ऐसी जगह है जो तो बाकी जगहों से अलग बनाती है, वो है यहाँ के वाटरफॉल। यहाँ पे आपको प्राकृतिक जल के स्रोत काफ़ी देखने को मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल हैं। और मैं आया हुआ था मई महीने के अंदर जहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट आपको यहाँ पे थोड़ा प्लीजेंट जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो वाटरफॉल में नहाने का मज़ा है वो वही बयां कर सकता है जो यहाँ पे नहाया हो, तो आप लोग यहाँ पे आके वाटरफॉल में नहाने का भी मजा ले सकते हैं। तो महीपुर में आपको काफ़ी वाटरफॉल छोटे छोटे जगह जगहों पे देखने को मिलेंगे। और बात करूँ मैं यहाँ की जो आबादी की, पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है वो लगभग 305 लोगों की है। और यहाँ का जो प्राथमिक व्यवसाय है वो है खेती। यहाँ पे आपको मई महीने के अंदर टमाटर और लहसुन की जो खेती है वो देखने को मिलेगी। आप सामने जो टमाटर की पौध देख रहे होंगे, ये टमाटर जो है जून जुलाई में तैयार हो जाएंगे और दिल्ली एनसीआर की मार्केट में आपको बिकते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो महीपुर है काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और बात करूँ कैंपिंग के लिए, तो कैंपिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ भाड़ है बहुत ही कम है। यहाँ पे आपको जो सनसेट है, सनराइज है, उसको भी देखने का आपको जो मज़ा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप देख रहे होंगे सामने जो लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खाली जगह है और पूरा जो पहाड़ है वो जंगल से ढके हुए हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाहन से महीपुर की दूरी है लगभग 35 किलोमीटर की, तो महीपुर के बाद आप जा सकते हैं राजगढ़ जो कि लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पे है महीपुर से। तो राजगढ़ में आपको आड़ू, प्लम, नाशपाती, बब्बू गोशा, तो बहुत जगहों पे सेब के जो पेड़ हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जो राजगढ़ है वो भी काफ़ी फेमस है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं राजगढ़ जाऊँ, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वापस लौटना पड़ा। और सामने जो आप एक पेड़ देख रहे हैं, ये आड़ू का पेड़ है जिसके अंदर जो आड़ू हैं लगभग तैयार हैं पकने के लिए। और ये जो पेड़ है मैंने महीपुर में देखा था, आप देख रहे होंगे जो आड़ू की है खेती है वो भी यहाँ पे होती है, बहुत लोगों ने यहाँ पे आड़ू के पेड़ भी लगाए हुए हैं। दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको राजगढ़ भी लेके जाऊंगा, जहाँ जो पीच वैली है वो भी आपको दिखाऊंगा जो काफ़ी फेमस है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जगह पर एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।